हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना और वीडियो है फ्रेंड्स मेहंदी का, और ये बहुत ही खूबसूरत एक मेहंदी डिज़ाइन है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिएगा, और अगर आपको ये मेहंदी डिज़ाइन सेम ऐसे ही आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तो प्लीज़ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मेहंदी का वीडियो देखें मेरे साथ, तो प्लीज़ अपना मेहंदी कोन या फिर अपना पेन कॉपी जो भी लेके बैठे हैं, आप बैठ सकते हो और उसके साथ में प्रैक्टिस किया कीजिए। कि फ्रेंड्स, प्रैक्टिस से ही हम कुछ अच्छा मेहंदी डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कितने सारे वीडियोस देख लें, बट आप जब तक उसको ट्राई नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मेहंदी डिज़ाइन बना पाना मतलब इजी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत डिज़ाइन होने वाला है, कहीं मत जाइएगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और आइए आज कुछ डिफरेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो फ्लावर बना दिए हैं, और एक जो फ्लावर मैंने बनाया है वो गल्फ स्टाइल से बनाया है, मतलब कि उस टेक्निक जो मेहंदी की जो गल्फ़ टेक्निक होती है उसको हम थोड़ा सा मतलब वन स्ट्रोक में बनाते हैं डिज़ाइन। मेहंदी कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा निकालनी होती है, वो मेहंदी कोन को चलाने का ही प्रैक्टिस होता है, तो बस उसी को ही हम गल्फ डिज़ाइन बोलते हैं। और फ्रेंड्स, इसका वीडियो एक मैं पूरा सेपरेट बना दूंगी आपके लिए कि किस तरह से वो मेहंदी हम मतलब यूज़ करते हैं, बनाते हैं, किस तरह से हम कोन से निकालते हैं और हम अपना डिज़ाइन पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कैरी डिज़ाइन बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको दिखाया, एक एस जैसे बनाते हैं पहले और फिर इसके ऊपर से एक लाइन करके हम बना देते हैं ये कैरी डिज़ाइन। तो इसकी प्रैक्टिस भी फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं आती ये बनाना, तो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहंदी में इसका बहुत ही ये डिज़ाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा बनता है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है इस डिज़ाइन की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं छोटा सा बॉर्डर दे रही हूँ, और बॉर्डर में मैंने सेम डिज़ाइन जो बनाया है वही आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपल भी बॉर्डर यहाँ पर दे सकते हो। और फ्रेंड्स, ये बैक हैंड के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, और आप यहाँ इसको सीधी साइड पे भी लगा सकते हो डिज़ाइन को, ऐसा कुछ नहीं है, और बट ये बैक हैंड पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मैं इस तरह से लीव्स बना के यहाँ पे डिज़ाइन दे रही हूँ, और इसको अंदर से फिलिंग्स देंगे पूरी। और फ्रेंड्स, आप देखते रहिए, इसी तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ, और आगे भी जो ये डिज़ाइन है वो मैं यहाँ पे थंब पे लेकर जाऊँगी और उंगलियों पे लेकर जाऊँगी आगे तक, और एक साइड को ही ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। आई होप आपको फ्रेंड्स ये मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस मिल जाएंगे देखने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ होम डेकोर के वीडियोज़, फ्लावर डेकोरेशन के वीडियोज़ और मेहंदी के वीडियोज़ भी अपलोड करती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को चेकआउट कीजिएगा, और अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पर मेहंदी डिज़ाइन को ये फुल फिलिंग देते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। और अब एक मैंने यहाँ पर एक और कैरी डिज़ाइन बनाया है, और ये जो डिज़ाइन है बेल, इसी तरह से हम आगे बढ़ा देंगे, और अगर आप थंब पे लेने चाहें तो थंब पे भी इसको एंड कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे थंब के पास वाले जो फिंगर उसको उस पे लेके जाऊँगी इस डिज़ाइन को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिलिंग्स के लिए यही डिज़ाइन जो फ्रिल वाला होता बहुत ही बेस्ट होता है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फ्रिल की प्रैक्टिस आप अलग से कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि फ्रिल के बिना कोई भी हमारा मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता है, और इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूरी करनी होगी। और ये आप अगर डायरेक्ट मेहंदी कोन से ही करें वही अच्छा है, क्योंकि सिंपली सी होती है, बट आपको अगर ये छोटा बड़ा होता है तो फिर वो नहीं अच्छा लगता है। तो फ्रिल की प्रैक्टिस आप, फ्रिल एलिमेंट की प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने दिवाली के लिए कुछ वीडियोस अपलोड किए थे दिवाली पे, वाटर कैंडल्स के और फ्लावर डेकोरेशन के, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे, तो फ्रेंड्स इसके लिए थैंक यू बहुत बहुत आप सभी का। और फ्रेंड्स, जो नए फ्रेंड्स आए हैं मेरे चैनल पर, उनके लिए मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी तरह का आपकी कोई सजेशन हो कोई भी, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स, मैंने यहाँ पर ट्रिक्स वाले वीडियोस भी अपलोड किए हैं, तो वो आप देखिएगा, और उनको यूज़ करके आप मतलब अपना मेहंदी डिज़ाइन बना सकते हो, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेहंदी बिगनर्स को। तो फ्रेंड्स, पहले से आप छोटे छोटे से ट्रिक्स को यूज़ करके सिंपली से छोटे छोटे से डिज़ाइन बनाएं, उसके बाद में ही आप ये अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।